धमतरी जिला गृह कोषर गना कई संगीन मामले का वंचित कुख्यात सुपारी क्लर तरुण यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे। बीते देर रात गुप्त सूचना के बाद जिले के सोर बाजार थाना क्षेत्र के घमसाना गांव से हुई गिरफ्तारी। तलाशी के दौरान तरुण यादव के पास से 7.65 mm का एक पिस्टल और 7.65 mm 3 जिंदा कारतूस हुआ बरामद। सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय समेत कई जिले में हत्या जैसे कई संगीन मामले का वर्षों से था वांछित। गुप्त सूचना के बाद थाना अध्यक्ष सोर बाजार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी के द्वारा सघन छापेमारी के दौरान मिली सफलता। कुख्यात तरुण यादव खगड़िया जिला के मुफस्सिल थाना के चमन टोला का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी इस बात की जानकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पुलिस अधीक्षक के वेशम का देखिए। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह अपने कन्या अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देखिए पुलिस अभिरक्षा में कुख्यात सुपारी किलर तरुण यादव और बरामद अवैध पिस्टल समेत जिंदा कारतूस के साथ तरुण यादव के बारे में एसपी मीडिया को जानकारी दे रहे हैं। बताते चले कि तरुण यादव का मुख्य पेशा सुपारी लेकर लोगों की हत्या करना है। इस अपराधी को तलाश कई जिलों की पुलिस को थी। उक्त कुख्यात अपराधी तरुण यादव कई कांडों में फरार चल रहा था। हाल ही में जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना के महकर गांव निवासी पुंजीत कुमार यादव की निर्मम हत्या 4 लाख रुपए की सुपारी लेकर कर दी गई थी। वहीं तरुण यादव की निशानदेही पर इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जारी है। अपराधी को की स्पेशली सीरियल सुपारी किलर है तरुण यादव, जो कि चमन टोल थाना मुफस्सिल जिला खगड़िया का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व से ही कई मर्डर केसेस में ये फरार चल रहा था और सहरसा जिला में भी अभी कुछ दिन पूर्व महाखर में कुलजीत कुमार यादव की निर्मम हत्या की गई थी। उसमें भी इसके द्वारा जो है पैसे लेकर के, सुपारी लेकर के उसकी हत्या की गई। तरुण यादव कई केसेस में सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया में वांछित था। अंतर जिला सीरियल किलर सुपारी किलर है। इसके पास से 9 mm की 7.65 mm की वो पिस्टल भी मिली है जिससे उसने गोली फायर की थी। वहाँ से एक खोखा बरामद हुआ। उसके पास से फिर 3 7.65 mm की जिंदा गोली और एक मैगजीन भी बरामद किया गया। मैम, कुलदीप भारद्वाज की हत्या करने का कारण क्या था? कुलजीत कुमार यादव वो खंगाला जा रहा है, ये अनुसंधान व्रत है, उसमें हो सकता है कुछ और व्यक्तियों के भी नाम आएंगे। मैंने कहा से इनकी गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी धमसेना से हुई है। धमसेना में क्या कर रहा था और किन के यहाँ था? अच्छा, ये मैडम, ये जो मृतक के परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के लेन देन के को लेकर। देखिए, उन लोगों के द्वारा भी बताया जाएगा और जो हम लोग इनसे पूछताछ की है उस दोनों को मिला करके और भी इसके जो फोन नंबर्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं CDR वाले। और इस पूरे प्रोसेस में हमें STF का भी सहयोग मिला है। इसी गिरफ्तारी में STF के पास भी काफ़ी इनपुट्स थे क्योंकि ये एक साहिबपुर कमाल में एक 2013 में एक मर्डर हुआ था, तो उसमें कितने था तो उसमें STF की काम कर रही थी, तो उनका भी हमें भरपूर सहयोग मिला इसी गिरफ्तारी में।